दोस्तों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहेड़ी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार नसीम भाई। नसीम अहमद साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में राजपत्रित अधिकारी हुआ करते थे। सियासत की खातिर आपने नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव आपने लड़ा था और 66,000 वोट ले गए थे। उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े अताउर रहमान साहब आपसे नीचे खिसक गए थे, यानी आपसे भी कम वोट ले गए थे। जीते थे छत्रपाल, जिन्हें बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। विषय अलग है, लेकिन बात करेंगे आज हम केवल नसीम अहमद साहब से कि आपके सभाओं में, आपकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर लोग आप में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने मशीनें भी बीते दिनों बांटी थी, आखिर ये इमदाद क्यों, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है कि आपने सिलाई की मशीनें बांटी, उसके पीछे क्या दर्शन है, जानेंगे नसीम अहमद साहब से। नसीम अहमद, मेरे दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आपने जो खिदमत खल्क की है उसके पीछे मंशा क्या है। ये नगर पालिका चुनाव के अंदर जब विधानसभा चुनाव होने के बाद हम लोगों ने जो बहेड़ी क्षेत्र में महिलाओं को देखा और वहाँ की जो जवान जवान बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको रोजगार सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा था, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो जो वहाँ पे लोअर अपर टी शर्ट तमाम तरीके के लोग सिलाई किराए पर मशीन लेके काम करना चाहती थी और कुछ कर रही थी, तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर चेयरमैनी में आपने मुझे जिताया तो मैं आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में मैंने मशीनों का उनसे वादा किया था। आज 1.5 साल पहले मैंने अपना वादा पूरा करते हुए उन्हीं जो नगर की महिलाएं हैं उनमें से पहली फेज के अंदर उन गरीब महिलाओं को लिया जो विधवा हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और उनको वो जो अच्छी क्वालिटी की मशीन है जो आपके जैकेट भी सिल सकती है और वो अपनी कमाई के साथ साथ अपनी शादी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी उससे खर्चा चला सकती हैं, उनको मैंने बांट के और ये वादा पूरा करने के साथ साथ मुझे ये बड़ा अपने आप में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम आज वो लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं कि आज वो किसी के सहारे नहीं है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुकी हैं। नसीम भाई, एक आपके मुखालिफ दूसरी पार्टी और भी है जिस सत्ता में है, वो भी तो राशन बांट रही है। योगी सरकार ने सरकारी गल्ले के दुकानों पर राशन बांट रहा है और बिना जाति है। हकीकत यह है कि जो राशन सरकार बांट रही है उस पर वो केवल अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और प्रचार प्रसार के अलावा आपने देखा होगा कि मुफ्त राशन बांट के वो एक तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उनको गड्ढे में डालने की बात कर रहे हैं। अगर उतने ही पैसे से उन लोगों को कोई ऐसा कारोबार करा दिया जाता या कोई ऐसे समूह बना दिए जाते, समूह के जरिए पैसा पहुंचाया जाता, तो महिलाएं अपने पैरों पे खुद खड़ी होती। लेकिन इस सरकार ने क्या करा है कि महंगाई की एक तो मार थी, दूसरी कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार ठप हुए, तीसरा जो आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी बड़े बड़े वादे करके चले गए कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साहब स्मार्ट सिटीज इतने बन जाएंगे और आपके अंदर काला धन वापस आएगा, गरीबों के खाते में पैसा पड़ेगा, ये सब जो है झूठे और खोखले साबित हुए हैं। अब हम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग पूरी ताकत से लग रहे हैं और इस 2022 के आने वाले चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे चुनाव हरा के और माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में एक वारदात हुई थी जिसमें कुछ किसान हादसे का शिकार हो गए, दम तोड़ दिया, उसमें अखिलेश यादव भी पहुँचे थे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अपनी टीम के साथ पहुँची थी। दोनों दल किसानों की सहानुभूति बटोरने में जुटे हुए हैं। बहेड़ी में नसीम भाई आप भी किसानों के हिमायत में आंदोलन कर रहे थे,
तो आप ही को क्यों वोट दिया जाए, किसान आप ही की पार्टी को क्यों चुने, कांग्रेस को क्यों ना चुने? देखिए हम लोगों ने अभी दो दिन पहले ही कि जो लखीमपुर में चार किसान शहीद हुए थे उसमें हमने उन्हें श्रद्धा देते हुए दो मिनट का मौन भी रखवाया था, और जो हमारा परिवर्तन यात्रा थी उसको हमने तब्दील करके तुरंत किसानों के हक में हमने शोक सभा आंदोलन जो हमारी बहेड़ी में करी गई है, वो आजमी साहब भी आए और उसमें हमने सीधे सीधे सरकार को चेताया कि जो मुआवजा तो दे रहे हैं आप, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आप उसको हादसा बता के, जबकि उसमें जानबूझ के किसानों को उनको एक तरीके से कत्ल किया गया है, उनको पीछे से बाकायदा वीडियो वायरल हो रही है कि उनको गाड़ी ने कुचलने की कोशिश करी गई है। तो जिस सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप है, जिसके बेटे के ऊपर आरोप है, वो गृह राज्य मंत्री हैं। अरे गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री वो होता है जो हमारे प्रदेश और देश की रक्षा के लिए होता है। आज शर्म आना चाहिए सरकार को कि उनको बर्खास्त करते उसके बाद बात करते, लेकिन अभी तक उस मंत्री को भी बर्खास्त नहीं करा गया है और ना इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और रेल रोको भी आंदोलन, जैसे हमने पहले किसानों के हक में कराए तीन कार्यकालों के अंतर्गत, फिर हमारा जारी रहेगा। सवाल मेरा अधूरा है कि आप ही को क्यों चुने उत्तर प्रदेश की जनता, कांग्रेस को क्यों ना चुने, प्रियंका गांधी को क्यों ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए? देखिए 2012 से 17 तक जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें आपने देखा होगा, चाहे बच्चों को जो उनका वजीफे का मामला हो, चाहे आप देखा होगा कि जो हमारे जितने मुख्यालय थे जो हेडक्वार्टर से जोड़ने वाले फोर लाइन उनको जोड़ने का काम रहा हो, चाहे आपको उस वक्त खाद की सब्सिडी थी, किसानों के लिए गन्ने के मूल हर साल बढ़ाए जाते थे, लोगों को वाजिब दाम मिल रहे थे, और हालात ये थे कि जितने भी जो यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि जो जो हाईवे थे, और हमने जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनवाया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस पर भी उन्होंने मंडियों का निर्माण कराया और प्रदेश के अंदर नई नई मंडियाँ खोली जिससे किसानों को जो न्यूनतम रेट के मूल्य हैं वो मिल सके और किसान अपना माल जो है उचित अच्छे दामों में बेच सके। इस सरकार ने चार साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है और हालात ये है कि जो गन्ने का पेमेंट है वो कई कई साल बाद मिलता है, तो किसान परेशान है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और महंगाई की ये मार है। जो गृहिणी सिलेंडर लेती थी, भरा हुआ सिलेंडर गैस के 900 रुपए का सरकारी होता था, वो आज 942 का हो गया है। इसलिए इस सरकार को हटाने के बाद जो काम अखिलेश जी ने कराया है, अखिलेश जी को जो है सरकार को चुन के समाजवादी पार्टी की सरकार बना के माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करना चाहिए। बहुत जल्द ही उम्मीद है कि टिकट भी डिक्लेयर होने लगेंगे, तमाम दल अपने पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं, शायद समाजवादी पार्टी भी जारी कर देगी, और अगर आपको टिकट मिलता है विधानसभा बहेड़ी से तो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, आपने क्या रोड मैप तैयार किया डेवलपमेंट का खास तौर से बहेड़ी के लिए? नसीम भाई देखिए टिकट का जहां मामला है बिल्कुल सीधे सीधे साफ साफ है कि पिछले दिनों में कई भूमाफिया माफिया जो इंडिपेंडेंट विधायक जीते हैं उन्होंने बड़ी कोशिश करी समाजवादी पार्टी में आने की, वही चाहे वो जिला बरेली ले लो, अखिलेश जी का कहना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम लोग भूमाफिया को और किसी भी गुंडे को पार्टी में टिकट नहीं देंगे जिससे पार्टी की छवि खराब होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहेड़ी क्षेत्र का जो किसान है वो खुशहाल होगा और जो यहाँ पे जो आज महिलाओं को जो हेल्प हमने सिलाई मशीन द्वारा करी है ये केवल आज नगर में करी है, अगर विधायक बनने के बाद इन कारखानों को जगह जगह आज हमारे गांव में भी खुल गए हैं जिसका माल दिल्ली के बाजार में अच्छे दामों में बिक रहा है, इनको पूरे विधानसभा में मशीन में बढ़वाऊंगा और उन महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बना के ऐसा कर दिया जाएगा कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सके। देखिए ये थे नसीम अहमद जो कि वन विभाग में राजपत्रित अधिकारी थे, राजनीति में सेवा भाव से आए हैं, जैसे कि उनकी बातों से आपको साफ लग गया होगा कि अगर वो विधायक बने तो अभी तो केवल नगर पालिका बहेड़ी के अंतर्गत विधवा महिलाओं बेसहारा महिलाओं को उन्होंने स्पेशल टाइप की मशीनें दी हैं,
यही काम वो और ग्रास रूट लेवल पर, गांव लेवल पर भी करेंगे, ताकि उन जगहों से उत्पादित माल की बिक्री दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में हो पाए और महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि घर की एक महिला अगर आत्मनिर्भर बन गई, सकारात्मक दिशा में उसकी ऊर्जा लग गई, तो पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी अपने अच्छे तरीके से चल सकती है। गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए रफ्तार के साथ इस गाड़ी को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत नसीम भाई आपका शुक्रिया अदा करता है गंभीर न्यूज कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय दिया और हमारे साथ कुछ अपने विचार साझा किए। शुक्रिया।